हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विकास किंग में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जीके जीएस के। अगर आपने 25 क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया तो आपका सिलेक्शन 100% मान लेना। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। अगर फ्रेंड आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। तो ऑप्शन में है अमरकंटक, मालवा की पठार, बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड, तो बताइएगा कमेंट में। तो इसका राइट आंसर रहेगा अमरकंटक, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है। ऑप्शन में है ब्रह्मा विष्णु या फिर शंकर कृष्णा, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा शंकर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा इसका। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, कपास का सबसे बड़ा देश चीन उत्पादन करता है। कौन सा देश करता है? चीन। हरिद्वार शहर नदी के तट पर स्थित है। हरिद्वार शहर नदी के तट पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, गंगा नदी के किनारे हरिद्वार स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, दुनिया का खालिस्तान सर्वोच्च शिखर है। ये तो आपको पता ही होगा, तो बताइए फटाफट से कमेंट में कि दुनिया का सर्वोच्च शिखर क्या है। कंचनजंगा पर्वत, किलिमांजारो पर्वत, सालात पर्वत या फिर माउंट एवरेस्ट, तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दुनिया का सर्वोच्च शिखर। और फ्रेंड ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर रहेगा 35 ईयर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 35 वर्ष होना चाहिए। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, जवालपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। जवालपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो बताइए इसका कमेंट में आंसर कि जवालपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है कौन सा शहर? जवालपुर शहर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है। भारत की प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है। तो इसका राइट आंसर रहेगा छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भोरम देव मंदिर कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है। बताइए इसका कमेंट में आंसर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है कि भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर, कौन दिलवाता है भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड, डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, आपको भी पता होगा कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी का बड़ा तस्थ उपग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा चंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, रबर, ऊन, कपास या फिर सीमेंट। तो फ्रेंड
इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड, रबड़ है वो कृषि आधारित है, ऊन है वो भी कृषि आधारित है, और कपास है वो भी कृषि आधारित है, लेकिन सीमेंट है वो कृषि आधारित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सीमेंट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, हल्दिया बंदरगाह को खालिस्तान के एक सहायक बंदरगाह के विकसित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कोलकाता बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मैटूर बांध बनाया गया है कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश खालिस्तान है, बताइए कमेंट में। ये तो आपको पता ही होगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा चीन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पीयूष ग्रंथि, यह है साइंस का क्वेश्चन, क्योंकि आरपीएफ कॉन्स्टेबल में साइंस भी आती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि में स्प्रेत होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? ये भी इजी क्वेश्चन है और आपको पता भी होगा, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, नीति आयोग अस्तित्व में आया था, तो इसकी डेट बताना है, आपको पता ही होगी क्या है, 1 जनवरी 2015, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1 जनवरी 2015, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया था? तो इसका अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा महाभारत, महाभारत जो है वो ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत रत्न, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, भारत रत्न इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 35 वर्ष तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो दिल्ली केंद्र शासित जो प्रदेश है उसमें जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तरदायी कौन है? तो बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तरदायी है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा लद्दाख, लद्दाख में भारत के ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत खालिस्तान में हुई? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1993 में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थांकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थांकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जैन धर्म के अंतिम तीर्थांकर थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है?
ऑप्शन में है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो ये तो आपको सभी को पता होगा कि सांची स्तूप एमपी में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो कमेंट में ये जरूर बताना कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने सही हुए हैं। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।